वेलकम भाई जी, वेलकम टू तू तू खालसा की। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मालिक सबको अच्छा रखें। भाई जी, एक नई चीज़ लेकर आए हैं आपके सामने, इसकी बिल्कुल छोटी से छोटी जानकारी आपको देंगे। ठीक है जी, मेडन इन इंडिया, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है जी, मेडन इन इंडिया, ये एक वो चीज़ है, इसको मार्केट को ना बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी। वीर जी, एक ऐसी फ्लिप होनी चाहिए थी जो यूनिवर्सल, हम जिसको बोल सकें ना, विदाउट रिमोट में, ताकि बहुत भाइयों का मन होता है इस तरह से। ठीक है जी, इसकी बहुत सारी जानकारी आपको, एक एक चीज़ इसको खोल के, इसमें ट्रांसपोंडर कहाँ पे लगाना है, पिन, ये छोटी वाली पिन को कैसे लगाना है, ये ब्लेड को कैसे यूज़ करना है, और ये सारी जो कीज़ आप देख रहे हो, ठीक है जी, ये सारी कीज़ को कैसे लगाना है। ठीक है वीर जी, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा आपसे, अगर वीडियो हमारी आपको सही लगती हो तो उनको लाइक जरूर करो भाई जी, अगर गलत लगे तो उसको अनलाइक भी करो। एक चीज़ और बोल देता हूँ सारे भाइयों से, भाई साहब देखो, मनुष्य की संतुष्टि परमात्मा नहीं कर पाए तो हम लोग कौन है। ठीक है, सबके मन की इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते, हम लोग अपना कर्म करेंगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, हम लोग सर अपनी तरफ से मेहनत करेंगे और जो बेहतर होगा वो आपको करके दिखाएंगे, लेकिन हम 100% सबको खुश नहीं कर सकते। ठीक है सर, किसी को अगर हमारी वीडियो से दिक्कत होती हो या गलत लगता हो तो उसके लिए सॉरी भाई जी। ठीक है, बाकी मैं सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करूँगा, अगर वीडियो सही लगे तो लाइक जरूर करना वीर जी, सोचते रहते हो लाइक भी कर दे करो। ठीक है, और नहीं अगर अच्छी लगती है तो उसको अनलाइक भी करो। ठीक है वीर जी, ये देखो, ये जितनी भी मैं आपको कीज़ दिखा रहा हूँ ना सारी, अभी आप ध्यान से एक बार देखना, ये सारी कीज़ जो हैं इस चाबी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, इसमें रिमोट काम नहीं करेगा। हमारे पास बहुत सा कस्टमर ऐसा आता है जो सिर्फ ओनली फ्लिप के लिए बोलता है, क्योंकि थोड़ा आजकल टाइम चेंज हो गया ना, मॉडलिंग टाइम है, तो हर कस्टमर बोलता है कि सर हमें इसमें फ्लिप वाली चाबी चाहिए। ठीक है जी, इसमें हम देखो ये बाइक वगैरह की भी कर सकते हैं, अगर कोई अच्छा कीमे करे तो हम ब्लेड को कट करके ना वहाँ से, और इसमें देखो ये हम आराम से इसके अंदर एक पिन का ऑप्शन होता है, वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा, ये देखो आराम से ब्लेड डाल के हम ये लगा सकते हैं। ठीक है जी, अल्ट्रा वाली कोई भी की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल स्कूटी वगैरह जो अभी नई आ रही हैं, ठीक है जी, किसी भी किस्म का ब्लेड जो है, वैसे तो 90% ब्लेड आपको अवेलेबल मिलेंगे, सारे कार कीज़ के जितने भी हैं ना, 90% आपको सारे ब्लेड अवेलेबल मिलेंगे। कुछ ब्लेड ऐसे हैं जो बाइक वगैरह में, स्कूटी में, जो आपको नहीं मिलेंगे, अगर कस्टमर उसकी भी डिमांड करता है तो आप ये बड़ी वाली फ्लिप बना के दे सकते हो, वैसे तो स्कूटी बाइकों की फ्लिप आती हैं। ठीक है जी, और ये इस तरह के ब्लेड होते हैं, ये सारे आपको तुई तुई खालसा कीज़ में अवेलेबल मिलेंगे, और ब्रांड मिलेगा सर। ठीक है, जिसको ब्रांड बोलते हैं, ठीक है जी, जिसको आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आजकल एक बीमारी और बहुत तगड़ी चल रही है, वो तगड़ी बीमारी क्या है मैं बता देता हूँ, कस्टमर रेटों को पकड़ के बैठा है। मार्केट में 3-4 तरह का माल चल रहा है, एक तो कूड़ा चलता है बिल्कुल, और एक मीडियम क्वालिटी है, एक बेस्ट क्वालिटी है, और एक उससे भी हाई क्वालिटी है। तो कस्टमर क्या है, जो हाई क्वालिटी वाले माल का या बेस्ट क्वालिटी वाले माल का ना कूड़े से कंपेयर करता है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर, अभी शुरुआत करते हैं, इसमें कैसे ट्रांसपोंडर लगाना है, कैसे इसको सेट करना है, कैसे क्या करना है, पूरा हम लोग जो है ना अभी हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है सर, ये देखो भाई जी, इस तरह इसकी लुक आएगी। ठीक है जी, सबसे पहले मैं ऊपर से एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, ये फ्लिप है, इसमें हम कोई भी ब्लेड लगा सकते हैं, जो भी अपने को, जो भी हमारा मन हो ना, कोई भी ब्लेड, कोई भी, मेरा कहने का मतलब है, ये देखो ये स्कॉर्पियो का भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये अपना कोई चेवरलेट का है, इसमें कोई स्विफ्ट का है, ये टोयोटा का ब्लेड है, सब तरह के अलग अलग ब्लेड होते हैं। ठीक है जी, ब्लेड लगने के बाद इसकी लुक ऐसे आएगी। ठीक है सर, मोनोग्राम लोगो भी बोल सकते हैं, मोनोग्राम लोगो हम जो भी चाहें, कस्टमर की संतुष्टि के लिए हम कुछ भी बेहतर इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से फ्लिप ऐसे बंद होगी और ये फ्लिप ऐसे खुलेगी। देखो अभी मैंने पिन भी नहीं लगाई है, इसकी पकड़ देखो कितनी अच्छी है, मेडन इन इंडिया। ठीक है जी, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है सर, और अब मैं इसमें आपको शुरुआत करके दिखाता हूँ कैसे क्या है, ये ट्रांसपोंडर कैसे इसमें यूज़ करना है, इसको हम अगर खोल लेते हैं तो कैसे इसको हम सेट कर पाएंगे। पाजी क्लियर दिख रहा है आपको? जी क्लियर। कैमरे की जो एडजस्टमेंट है वो क्लियर पर रखना है एकदम, ताकि एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, सबसे अच्छा तो 2 स्क्रू दिए हैं, इसको कितना भी तकड़ा हम इसको फेंकें, गलती से हाथ से छूट के गिर जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं कुछ होने वाला नहीं है इसकी। ये देखो क्वालिटी और ब्रांड का यहाँ पता पड़ता है भाई जी। ये देखो 2 स्क्रू दिए हैं, स्क्रू की जो साइज है वो बहुत लॉन्ग है, ये देखो। ठीक है वीर जी, अब इसको हम ऐसे खोल लेंगे, खोलते ही इसमें जो है इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे कि ये देखो सेम हमारी फ्लिप की तरह है, ये इतने सारे पार्ट इसके अंदर निकलते हैं। एक ये मैन हुड़का भी बोल देते हैं इसको, मैन पुश बटन भी बोल सकते हैं,
ये स्प्रिंग है और ये इसका मैन जो फिलिप को जो चलाएगा आगे पीछे, ठीक है, मैन रोड का इसको भी बोल सकते हैं। ये इसकी जो है अपनी स्टील क्रोम यहाँ पे दी हुई है, बहुत अच्छी लुक है, और ये इसकी अंदर की लुक है सर, ठीक है। अब इसमें हमें ट्रांसपोंडर वाले मैटर पे जाना है। पहले ट्रांसपोंडर का जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला और ये पतले वाला, तो हमेशा चौड़े वाले हिस्से को इमोबिलाइजर की तरफ रखें, ठीक है जी। कोई भी ट्रांसपोंडर हो किसी भी किस्म का, इसमें बहुत मतलब अच्छा सिस्टम दिया है, इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो ये ट्रांसपोंडर हमारा बैठ गया आराम से, हम चाहें तो इस पर हल्का सा फेविक्विक वगैरह कोई कागज वगैरह साइड में, जो भी आप बेहतर समझें, कुछ लोग प्लास्टिक वाला गम भी यूज़ करते हैं जो गन वाला होता है ना, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है सर। अब इसके बाद वाली कंडीशन में हमें क्या करना है, जो ये ट्रांसपोंडर है ना अपना, ये एग्जैक्ट इसमें टाइट रहना चाहिए, ठीक है सर, लूज नहीं रहना चाहिए इसमें। अभी जैसे मेरा ये लूज है, तो हल्का सा लूज है और लूज रहना भी जरूरी है। कई बार हमसे कोई ट्रांसपोंडर अगर गलती से लग जाता है ना, तो वो टाइट रहना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखो इतना लूज भी नहीं है, बाकी ठीक है, ठीक है सर। अब ये हुड़का लेना है हमें, इसमें विशेष एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये किसी से गलत ना लग जाए, ये बाहर राइट की तरफ रखना है ऐसे। पहले इसको चला के देखना है कि भाई फिट बैठ गया है नहीं। देखो ये फिट बैठ चुका है। अब हमें इसकी जो मेन बटन है इसको लेनी है, ठीक है जी। ये अब इसमें ये चीज़ भी चेक करनी है, इसमें गहराई कहाँ पे है और कम गहराई कहाँ पे है। तो इसमें एक साइज जो छोटा होता है, देखो, और ये इधर भी बड़ा है और इधर भी बड़ा है, छोटे वाला है। इसमें हमें झांक के देखना है कि छोटा साइज कहाँ पे बैठ रहा है, तो छोटा हमारा इस जगह पे आ रहा है, ठीक है जी। तो हमें इसको ऐसा छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में ये हमारा एकदम फिट जा चुका है सर, ठीक है। ये देखो बाहर की तरफ निकल गया पूरा। इसके अंदर एक लॉक बनाया जो कि स्प्रिंग को अंदर जाकर लॉक करेगा इसको, और हुड़के के अंदर स्प्रिंग को ऐसे घुमा के चेक कर लेंगे, ये लॉक हो चुका है पूरा, हमारी स्प्रिंग फ्री नहीं घूम रही है। फिर हमें क्या लेना है सर, इसमें देखो एक ये कट बना हुआ है, यहाँ सा हल्का सा दिखाने की कोशिश करो, दिख गया जी। और ये जो नॉक है स्प्रिंग की बाहर निकली है जो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमें कट में रखनी है इसको, बिल्कुल इस कंडीशन से ना सर, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। और इसको उल्टा राउंड घुमाना है हमें इस तरह करके ना, ऐसे उल्टा राउंड घुमाना है अपनी तरफ, ऐसे घुमा के और इसकी जगह पे लाके हमें जो है जहाँ पे भी रखना है हमें इसको दबा देना है। लॉक बैठने चाहिए बराबर, ठीक है जी। वो जो मेरा ट्रांसपोंडर था ना, वो इसमें खुल गया क्योंकि मैंने किसी चीज़ से चिपकाया नहीं है उसको, समझ रहे हैं ना आप। ये चीज़ मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये भी सही है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है वीर जी। इसको मैं चिपकाना इसलिए नहीं चाह रहा कि फिलिप मुझे यूज़ नहीं करनी, पर मैं हल्का सा कोई चीज़ आपको करके दिखाता हूँ इसमें। एक मिनट रुको भाई, वीडियो सर एक बार और हमें जो है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि एक बार और इसको दोबारा पैक करने का मौका मिला, ताकि मेरे कुछ भाई हैं वो अच्छे से समझ सकें, ठीक है वीर जी। एक एक चीज़ फिर खोल देता हूँ इसकी पूरी। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब अभी जैसे मैंने किया सेम वैसे ही करना है। सबसे पहला हमारा जो रोल है वो ट्रांसपोंडर पे चलता है, ठीक है जी। मैंने हल्का सा कागज़ का सहारा लिया, अभी वो पिले हो गया था ना, हम इसमें प्लास्टिक गम आती है जो, या फेविक्विक वगैरह कुछ भी कागज़ भी लगा सकते हैं, वो आपका मन है, खाली ट्रांसपोंडर को रोकने के लिए। और ये थोड़ा सा पिले देनी बहुत ज़रूरी होती है, ये इसलिए होती है कई बार हमने इसमें ट्रांसपोंडर लगा दिया, अगर एक ही बार में इतना टाइट फंस गया और हमारी की जो है प्रोग्रामिंग हमारी नहीं हुई, ट्रांसपोंडर वीक निकल गया, तो फिर ट्रांसपोंडर कैसे निकालेंगे। तो इस पर गम वगैरह हम कोई भी चीज़ इसको परमानेंट जब ही करें जब हमारी गाड़ी प्रॉपर सक्सेस हो जाए, उससे पहले हम टेम्परेली इसको लगा के इसको चेक करें बस खाली, इसीलिए इसमें थोड़ी पिले दी जाती है, ठीक है। अभी मैंने हल्का सा कागज़ का सहारा लिया है इसमें, ठीक है सर। जगह बिल्कुल बहुत ऐसी दी है इसमें कि जो हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, मतलब पूरा इसमें फिट रहे सिस्टम। ये देखो कागज मैंने बहुत मोटा लगाया था, इसलिए अब चाहे हम इसको ऐसे भी पटकेंगे ना, ये देखो ट्रांसपोंडर नहीं निकलेगा हमारा, ठीक है सर। अब हम इस वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं, ये ऑप्शन है। इसमें आने के बाद में सेम वही कंडीशन है, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे कोन बने हैं ना, ये छोटा वाला छोटे वाले की तरफ आना है बस। जिधर छोटा कौन है ना उसको वहीं पे रखना है, ये चीज का विशेष ध्यान रखें बस।
तो हमारा एक ही बार में सक्सेस हो जाएगा पूरा। ये अपनी स्प्रिंग को एक बार ऐसे घुमा के देख लें प्रॉपर लॉक है या नहीं, ठीक है सर। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, अब हमारा ट्रांसपोंडर ना गिरना है ना हिलना है ना लिकड़ना है कुछ भी, ठीक है। अब हम आराम से जैसे मर्जी इसको, ये यहाँ पे एक जगह बनी है स्प्रिंग का जो है इसका, ये इस बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना, ये देखो उसी के अंदर एग्जैक्ट गया। इसको हमें राउंड पीछे की तरफ घुमाना है, जितनी भी स्पीड बढ़ाना चाहें एक राउंड और एक्स्ट्रा भी घुमा सकते हैं, लेकिन दो में ये बहुत बेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा लॉक इसका प्रॉपर लग चुका है, ये ऐसे खुलेगा, ठीक है वीर जी। अब इसमें एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, खाली एक ही स्क्रू टाइट करता हूं, ये अपना जो है प्रॉपर फिलिप हमारी रेडी हो चुकी है, ट्रांसपोंडर इसके अंदर जा चुका है, ठीक है जी। ये फिलिप हमारी रेडी हो चुकी है, बेटा एक बार मैक्स रेडी करके लाइयो। फिलिप रेडी हो चुकी है, इसमें हम जैसे कोई भी ब्लेड यूज करते हैं, मैंने ये ब्लेड यूज किया इसको परमानेंट करने के लिए। देखो यहाँ पे एक जगह बनी है, आपको भी दिख रही होगी वो, ये देखो सर, ठीक है। अब ये वाली जो पिन होती है इसके अभी मुझे लगानी नहीं है, क्योंकि मेरी फ्लिप जो है मैं यूज में नहीं ले रहा हूँ, तो खाली आपको दिखा रहा हूँ। ये पिन इसके अंदर लगती है, इसको पिन लगाने वाला पिन रिमूवर वो भी आता है सेट, ये सारे ब्लेड सारी कीज ये फिलिप अपनी सारा कुछ अपने पास अवेलेबल होता है भाई जी, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये फिलिप अपनी रेडी हो जाएगी। मोनोग्राम हम लोग जो यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आपको और दिखा देता हूं मैं, ट्रांसपोंडर रीड करके, ठीक है जी। क्या बात है, हैंग कर रहा है क्या? देखो ये देखो की मैंने यहां रखी, ये देखो सर, जो ट्रांसपोंडर मैंने इसमें डाल रखा था 46 अनलॉक, ठीक है भाई जी। और दिल से वेलकम करता हूँ सारे भाइयों को, आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, ठीक है भाई जी, और मुझे इतना प्यार देते हो भाई जी। और मेरी इसमें नीचे जाके ना बहुत सारी वीडियोस आपके काम की और भी हैं, ठीक है वीर जी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, फर्क सिर्फ हमारी नज़रों का इतना होता है कि जब हम एक चीज़ समझते हैं ना, मुझे अगर आज साइकिल चलानी आती है तो साइकिल मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जो साइकिल चलाने को जहाज उड़ाने जैसा समझते हैं। मुझे अगर जहाज उड़ाना आता है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी सोचो कि काफी भाइयों को जहाज उड़ाना तो दूर की बात, जहाज बैठने को भी बड़ी बात समझते हैं। तो वो चीज है वीर जी, हर इंसान एक जैसा नहीं है। किसी भाइयों को ये लगता है यार क्या वीडियो बना रहे हैं, लेकिन काफी भाइयों को ये लगता है कि बहुत बेस्ट बना रहे हैं। तो इंसान की कोई कैपेसिटी नहीं है जो हर मनुष्य को खुश कर सके, लेकिन अपना कर्म करना है जो कि हम लोग करते हैं। दिल से वेलकम है, किसी को गलत लगा उसके लिए सॉरी। वेलकम टू तू तू खालसा कीज, वेलकम सारे भाइयों को।